उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के तहत संचालित तिरुपति स्कूल ऑफ नर्सिंग के सैकड़ों छात्र जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों ने नर्सिंग कॉलेज में अकादमिक सत्र 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए प्रवेश लिया था। इस दौरान तिरुपति स्कूल ऑफ नर्सिंग की इंडियन नर्सिंग काउंसिल और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से पूर्ण मान्यता थी, लेकिन अचानक से राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के जिम्मेदारों ने कॉलेज की मान्यता को साल 2022 में एनओसी नहीं होने का हवाला देकर निरस्त कर दिया। छात्रों का कहना है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बता दें कि तिरुपति स्कूल ऑफ नर्सिंग में अकादमिक वर्ष 2020-21 के करीब 25% छात्रों को पढ़ाई के दौरान राजस्थान सरकार वजीफा भी दे रही थी, लेकिन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने एनओसी नहीं होने का हवाला देकर मान्यता को साल 2022 में निरस्त कर दिया। तीन साल से जो बच्चे हैं, जो एक मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, और रजिस्ट्रेशन नहीं होने का कारण ये है कि आरएनसी ने हमारी 2021 में परमिशन कैंसिल कर दी। पर जो बच्चे 2018-19, 19-20, 20-21 के जो और 21-22 के जो बच्चे बैठे हुए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन तो करें। कोई भी बैक डेट में जाके कैसे कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, ठीक है? और अब इस काम के लिए मैं एक साल में कम से कम भी 25-30 बार तो सेक्रेटरी में चला गया, 25-30 बार सब मंत्रियों से मिल लिया, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने जब 2018-19 और 19-20 जो हमने था, तब हमने एडमिशन लेने से पहले नर्सिंग काउंसिल की जो लिस्ट निकलती है हर साल, हमने वो लिस्ट देखी, उसमें हमारे कॉलेज का नाम था, हमने उसके अनुसार हमने कॉलेज में एडमिशन लिया और हमने हमारी पढ़ाई चालू की। लेकिन कुछ हमारे कॉलेज वगैरह का कहना है कि उनके बाद आरएनसी ने 20-21 में उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, 21-22 के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो हमारा बस यही कहना है कि अगर आपने 21-22 का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, तो कम से कम जब 19-20 में हमने रजिस्ट्रेशन नंबर देख के आरएनसी के गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के देख के अगर हमने एडमिशन लिया, तो हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहिए। मैंने 4 साल की पूरी पढ़ाई कम्प्लीट करी, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन की बारी आई, जब हम लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड नहीं हुए, जब हम लोग ने एडमिशन लिया था उस टाइम हम लोगों ने साइट पर देखा था हमारा कॉलेज प्रूव अप्रूव था, और अब जब बैक डेट में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है, तो जो स्टूडेंट पास आउट है जब रजिस्ट्रेशन जब वैलिड था कॉलेज, तो उन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया जाए। और आज हम अलग अलग स्टेट से यहाँ पे हमारी क्लास में जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, बिहार से यहाँ पे बच्चे बैठे हैं जो अपनी स्टेट को छोड़ के राजस्थान में पढ़ाई करने आए थे, ये सोच के कि हमको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी और हम आगे चल के अच्छा काम कर पाएंगे। हर खबर सबसे पहले पहुँचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।